हमने ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आएगा हम इसका समर्थन करेंगे। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पूर्व बहुमत की सरकार देश के अंदर है, और जब जब चुनाव आते हैं तब तब लोगों को मुद्दे से हटाने के लिए कोई ना कोई नया शगुफ्ता जो है वो केंद्र सरकार और भाजपा ले आती है। उसी तर्ज पर जैसे पहले इन्होंने पुलवामा के नाम पर वोट मांगा, उसके बाद आर्टिकल 370 के नाम पे वोट मांगा, राम मंदिर के नाम पे वोट मांगा, और अब पहले सिटीज़न अमेंडमेंट बिल के नाम पर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करी, और अब जाकर जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एक डिबेट छेड़ने का प्रयास देश के अंदर किया जा रहा है। और जो असली मुद्दे देश के अंदर है, अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पर है, जीडीपी देश की गिरती जा रही है, और ख़ास करके अगर हम हिमाचल की बात करें, हिमाचल के जो हक और हिमाचल को जो सहयोग केंद्र सरकार से मिलना चाहिए था उसमें कोई सहयोग केंद्र सरकार को नहीं मिला है। हमारी बोरोइंग कैपेसिटी को केंद्र सरकार ने कम कर दिया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कम कर दिया है। 4,000 करोड़ रुपए का घाटा हिमाचल प्रदेश को उसकी वजह से हुआ है। इन चीज़ों पे तो सरकार और भाजपा की सरकार और भाजपा के नेता कोई प्रतिक्रिया है हिमाचल में देते नहीं हैं, मगर इस तरीके के मुद्दों को जो है वो भड़काने की कोशिश की जा रही है। हमने ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आएगा हम इसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी जो है, हम कांग्रेस पार्टी का अभिन्न अंग है, और कांग्रेस पार्टी हमारे देश में एकता और अखंडता को आगे ले जाने में हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अपना योगदान दिया है। एज एंड वेन जब ये लाया जाएगा उस समय इसके ऊपर पूरा समर्थन दिया जाएगा, मगर अभी जो बर्निंग इश्यूज हमारे देश के अंदर है, मणिपुर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत अहम राज्य है, एक महीने से जल रहा है, विभाजन जो है उसमें ऑलमोस्ट जो है सिविल वॉर की कगार के ऊपर है। अभी तक ना कोई मुख्यमंत्री के ऊपर कोई एक्शन लिया गया है, ना वहाँ पे कोई इमरजेंसी लगाई गई है, ना वहाँ पे गवर्नर्स रूल लगाया गया है, और यही चीज़ हमको देश के और राज्यों में भी देखने को मिलती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो असली इश्यूज़ है, बर्निंग इश्यूज़ है देश के अंदर, उसके ऊपर भाजपा बात करती नहीं है, और लोगों को भ्रमित करने के लिए, मुद्दा बनाने के लिए इस तरीके की एक नई डिबेट जो है वो देश के अंदर छेड़ देती है, जिसकी वजह से जो असली इश्यूज़ लोगों के हैं वो कहीं ना कहीं सेंटर स्टेज पे ना रहकर पीछे हट जाते हैं, जो सही चीज़ नहीं है।